बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डॉक्टर नियाज बलोच फॉरेंसिक मेडिसिन के तकरीबन हमने कितने एमसीक्यू को कवर कर लिया था। हमने सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन को कवर कर लिया था और हमने लीगल प्रोसीजर, पर्सनल आइडेंटिटी, लॉ रिलेटेड टू द मेडिकल मैन और मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ ऑटोप्सी को कवर कर लिया था। ये सारी वीडियोस आपको थर्ड ईयर एग्जाम स्टॉप के अंदर मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं ट्रेस एविडेंस से, पैथोलॉजी है और ट्रॉमेटोलॉजी, यहाँ तक हम कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं ट्रेस एविडेंस से। तो ट्रेस एविडेंस की डेफिनेशन लिखी हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, फिर दूसरा लिखा हुआ है कार्ड एक्सचेंज प्रिंसिपल है कि हर कॉन्टैक्ट को ना कोई ट्रेस लीव कर देता है। जो एक्सचेंज होती है ट्रेस की वो बाई डायरेक्शनल होती है। इसके बाद वॉमिटस है, लाइक स्टोमक वाश है, तो स्टोमक वाश को केमिकल एग्जामिनर की तरफ भेजना तो क्या बात गलत होती है। तो प्रिजर्वेटिव स्टोमक वैश के केस में नहीं ऐड करते। इसके बाद द बेस्ट प्रिजर्वेटिव होता है 10 cc ब्लड के लिए, तो वो 1% सोडियम फ्लोराइड होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि हिस्टोपैथोलॉजिकल सेक्शन के लिए हम 10% फॉर्मेलिन यूज करते होते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ऑटोप्सी के लिए जो प्रिजर्वेटिव है, प्रिजर्वेटिव हम फॉर्मेलिन वगैरह को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि द बेस्ट स्पेसिमन फॉर ऑटोप्सी आफ्टर डीएनए फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, द बेस्ट स्पेसिमन आफ्टर ऑटोप्सी, तो वह सप्लीन लिखा हुआ है, मुझे इसके बारे में कंप्लीट श्योरिटी नहीं है। केसल मेयर टेस्ट, ये फिनोक्सिलिन टेस्ट का दूसरा नाम होता है, ये हम करते हैं ब्लड के अंदर स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है फिनोक्सिलिन के अंदर जो एंड कलर होता है वो पिंक होता है, बेंजीडिन के अंदर ब्लू होता है। बेंजीडिन टेस्ट की जो इंपॉर्टेंस होती है उसकी नेगेटिविटी के अंदर आती है। हैजर्ड बेंजीडिन टेस्ट की ये होती है कि जो बेंजीडिन की एजेंट है वो कार्सिनोजेनिक होता है। टाकाजामा टेस्ट को हम हीमोक्रोबोजन क्रिस्टल टेस्ट भी कहते हैं, जबकि जो टैकमेन टेस्ट है उसको हेमिन क्रिस्टल टेस्ट कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि हीमोक्रोबोजन टेस्ट किया गया और वहाँ पे सर्कुलर क्रिस्टल देखने को मिलती है, तो सर्कुलर क्रिस्टल पिंक फीदरी कलर की होती है। ह्यूमन आरबीसी के बारे में क्या बात गलत है, तो आरबीसी के अंदर डेविडसन बॉडी नहीं होती, डेविडसन बॉडी आई थिंक डब्ल्यूबीसी के अंदर होती है, न्यूट्रोफिल के अंदर देखने को मिलती है। फिश, फ्रॉग और चिकन के आरबीसी के बारे में क्या बात गलत है, ये बाई कॉनकेव नहीं होती, बाई कॉन्वेक्स होती है। इसके बाद पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट ऑफ फीमेल के बाद डेविडसन बॉडी होती है। रिंग टेस्ट ऑफ एसोली को हम पैरासिपिरेन टेस्ट भी कहते हैं। हाउ मच पॉपुलेशन सिक्रेट ए बी ओ ब्लड ग्रुप, तो 80% पॉपुलेशन होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ चलते हैं, तो ये मेंडल लॉ लिखा हुआ है। कंफर्मेटरी टेस्ट और डिटेक्ट सीमन, तो माइक्रोस्कोपिक होता है। सीमन के लिए जो टेस्ट कौन सा नहीं है, तो रिंग टेस्ट नहीं होता। ब्लड स्टेन जो कि वेट है, ब्राइटी और स्टार्ची टू फील है, उसका मतलब उसको आधा घंटा हो चुका है। ओल्ड ब्लड स्टेन है, वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल है, क्योंकि मिथिमोग्लोबिन या हिमेटिन की फॉर्मेशन हो चुकी है। जो ब्लड स्टेन होती है ओके मोथ एंड सॉरी ड्राइन होने के बाद वो स्केल के फॉर्म में पील ऑफ हो जाते हैं, तो डेट मीन्स की एंटीमार्टम है। द बेस्ट टेस्ट नाउ अवेलेबल फॉर सॉर्टिंग ब्लड स्टेन, तो ब्लड स्टेन के सॉर्टिंग के लिए अमीडोपारिन टेस्ट होता है, ठीक है। आगे द मोस्ट डेलिकेट एंड श्योर टेस्ट फॉर ब्लड वेदर इन फ्रेश और ओल्ड कंडीशन, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मोस्ट डेलिकेट एंड द श्योर टेस्ट होता है। जो ओरिजिन ऑफ ब्लड स्टेन है उसको डिटर्मिन करने के लिए हम प्रेसिपिटिन वगैरह वैसे कोई भी टेस्ट नहीं होता इनमें से। इफ अ ब्लड ग्रुप ऑफ अ ब्लड ग्रुप वाले हैं, आई थिंक अब इनके तो नहीं करना चाहिए। लेंथ ऑफ ह्यूमन स्पर्म तो 50 से लेकर 55 माइक्रोन्स होती है। ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट एनिमल हेयर, एनिमल हेयर के बारे में क्या बात गलत है, तो मेडुला काफी ज्यादा ठीक होता है जिसकी वजह से इनका मेडुलरी इंडेक्स काफी ज्यादा देखने को मिलता है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन हेयर तो 0.5 इंच होती है पर मंथ। देयर इज एन अपेरेंट पोस्टमार्टम ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन द फेस, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं एमसीक्यू थैनाटोलॉजी का, तो थैनाटोलॉजी में डेथ की स्टडी करती है। कंप्लीट एंड परसिस्टेंट सेंसेशन ऑफ लाइफ विद नो रिटर्न, तो ये रॉन्टल एंड स्मिथ ने कहा था। इसके बाद ये है कि जो ब्रेन की डिस्ट्रक्शन होती है और इंडिविजुअल मर गया है, तो ये स्टेटमेंट पता नहीं किसने कहा था, तो स्टेटमेंट मिस्टर क्लेन ने कहा था। इसके बाद लाइफ डेथ को किसने डिफाइन किया था, इस तरह से कि लाइफ की सेजेशन है, ट्राइपोडर लाइफ खत्म हो जाता है, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ब्लैक लॉ डिक्शनरी है। इररिवर्सिबल लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग मैटर, तो ये शैपरी होता है। डेथ इज नॉट अ मूवमेंट ऑफ टाइम, इट इज अ प्रोसेस, तो ये मुलर ने कहा था। इसके बाद नेक्स्ट है कि व्हेन डेथ विल बी अ मोमेंट ऑफ टाइम, ये मूवमेंट लिखा वाला है कि मोमेंट ऑफ टाइम एंड नॉट प्रोसेस है, तो एटॉमिक एक्सप्लोजन के अंदर देखने को मिलती है। कंप्लीट या परसिस्टेंट सेसेशन ऑफ फंक्शन है, अगर ओवरऑल इंडिविजुअल की डेथ होती है तो उसको हम सोमैटिक डेथ वगैरह, ठीक है। इसके बाद है कि ऑल आर करंट एंड क्राइटेरिया टू डायग्नोस डेथ है, तो कौन सा डेथ के डायग्नोसिस के लिए क्राइटेरिया नहीं होता, तो अगर प्यूपिल की बायलैटरल डायलेशन और बायलैटरल फिक्सेशन देखने को मिलती है, ना कि यूनिलैटरल होती है। अब जो डेथ के लिए कौन सा डायग्नोसिस नहीं होता, तो क्रैनियल रिफ्लेक्सेस अगर एब्सेंट है तो वो डायग्नोसिस के लिए नहीं होते। अब कौन सी कंडीशन डेथ के साथ सिमुलेट नहीं करती, तो पैरासिटामोल की ओवरडोज डेथ को सिमुलेट या स्टिमुलेट वगैरह स्टिमुलेट करो रिजेंबल नहीं करती होती, सस्पेंडेड एनिमेशन के अंदर नहीं आती। ओके, इसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर प्रेजेंट इन डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो सबमर्शन भी होती है, सस्पेंडेड एनिमेशन भी है, हाइपोथर्मिया भी है, लेकिन जो इन एनिमेशन है ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के अंदर नहीं आती, यानी सस्पेंडेड एनिमेशन के अंदर नहीं आती। मोड ऑफ डेथ हाइपोक्सिया होता है, मोड ऑफ डेथ जो हाइपोक्सिया नहीं होता। इसके बाद ऑल ऑफ
कॉजेज ऑफ सडन डेथ, तो जो कार्सिनोमा होता है वाइस एक्सर डेथ करवा देता है। डीप साइनोसिस पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देखने को मिलती है। ओके, सडन डेथ के अंदर जो नहीं आता तो वो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। हाउस हॉस्पिटल सर्टिफिकेट है वार्ड्स के अंदर, तो मोस्टली जो वार्ड्स में जो डेथ लिखी होती है वो कार्डियो रेस्पिरेटरी फेलियर की वजह से लिखी होती है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ डेथ तो WHO ने पेश किया था। आधा लीगल रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिकल ऑफिसर, तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट नहीं होती मेडिकल ऑफिसर की, रजिस्ट्रेशन ऑफ डेथ शुड नॉट बी द डन, तो ये बात गलत है। नेम द सिस्टम ऑफ डिस्पोजल, तो मुस्लिम में ब्यूरियल होता है, हिंदूस जला देते हैं, क्रिश्चियन भी दफना देते हैं डेड बॉडीज को। इसकी बात है कि डिस्पोजल ऑफ डेड बॉडी बाय ज्यूज, तो दफना देते हैं। पारसीस क्या करते हैं, चिमनी वगैरह में डाल देते हैं। आगे इमीजिएट चेंज ऑफ द डेथ के अंदर क्या नहीं होता, तो ब्लड के जो चेंज है हाइपोस्टेसिस है ये इमीजिएट के अंदर नहीं आती, ठीक है, अर्ली वगैरह के अंदर आ सकती है। अब ऐसी चेंज है जो 24 घंटे के बाद नहीं होती, तो कैडावरिक स्पैजम है वो मौत की बात नहीं बल्कि एंटीमार्टम फिनोमिना होता है। फॉलोइंग आता अर्ली चेंजेस ऑफ द डेथ, तो अर्ली चेंजेस के अंदर कौन सा नहीं होता, तो जो लेट चेंजेस है वो मम्मीफिकेशन आना शुरू हो जाती है। ऑल मसल आर रिलैक्स एंड फ्लैसिड आफ्टर द डेथ, और वो प्राइमरी फ्लैसिडिटी है जिसमें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन को रिस्पॉन्स कर जाते हैं, सेकेंडरी का नहीं कर पाते। अब तमाम मसल फ्लैसिड है, रिलैक्स है, और वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, तो सेकेंडरी फ्लैसिडिटी आ चुकी है। कैटल ट्रकिंग रेटिना ब्लड वेसल में देखने को मिलती है। जो आइज़ के अंदर फिजिकल चेंजेस कौन सा नहीं होता, तो टोन ऑफ आई बाल ही कम हो जाती है ना कि बढ़ जाती है। केमिकल चेंज इन आई बाल, तो पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है। फ्रेगमेंटेशन और स्टेसिस ऑफ द ब्लड इन रेटिनल ब्लड वेसल्स का कैटल ट्रकिंग होती है, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन और स्टेसिस होती है। हाइपोस्टेसिस का क्या दूसरा मतलब नहीं हो सकता, तो एल्गोरमोटिस होता है जिसका मतलब है कूलिंग ऑफ बॉडी। इसके बाद हाइपोस्टेसिस के अल्टरनेटिव मीनिंग क्या नहीं हो सकता, तो एडिपोस एयर फॉर्मेशन है। कैटालेप्टिक एगरमोटिस का मतलब है कंप्लीट रिजिडिटी ऑफ द बॉडी। हाइपोस्टेसिस से हम लास्ट एक्ट ऑफ लाइफ का पता नहीं चला सकते, वो होता है आई थिंक कह सकते हैं कैडावरिक स्पैज़म है। तो हाइपोस्टेसिस इज चैरिट, तो कार्बन मोनोऑक्साइड केस में होती है, हाइपोथर्मिया में देखने को मिलती है। ओके, हाइपोस्टेसिस पिंक कलर की साइनाइड में होती है, रेड रंग की होती है हाइपोथर्मिया में होती है। हाइपोस्टेसिस चॉकलेट ब्राउन होती है नाइट्रेट्स की पॉइजनिंग के अंदर। हाइपोस्टेसिस ग्रीनिश होती है हाइड्रोजन सल्फाइड की पॉइजनिंग के अंदर। तो सोमन मूवमेंट होती है, ये डेड बॉडी के मूवमेंट को कहते हैं। हाइपोस्टेसिस कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग साइड की बढ़ नहीं होती, कॉन्टैक्ट फ्लैटनिंग काफ मसल में देखने को मिलती है। हाइपोस्टेसिस आधे घंटे के बाद अपेयर होना शुरू हो जाती है। राइगर मोटिस एक्टिन और मायोसिन की फ्यूजन की वजह से होती है। राइगर मोटिस इनवॉलंटरी और वॉलंटरी दोनों मसल के अंदर होती है। एल्गर मोटिस कूलिंग ऑफ डेड बॉडी को कहते हैं। सर्कुलेशन हाइपोस्टेसिस का दूसरा नाम होता है। ओके, जो हाइपोस्टेसिस होती है वो इन्फेंट के अंदर एब्सेंट होती है, स्पेसिफिकली टिप ऑफ नोज, चिन और फोरहेड है। राइगर मोटिस पाकिस्तान के अंदर फुली डेवलप होती है, खासकर विंटर वाले में, तो 12 से लेकर 24 घंटे है। हाइपोस्टेसिस एब्सेंट होती है बिकॉज ऑफ प्रेशर ओवर द कैपिलरी। जो कैडावेरिक स्पैज़म है वो लास्ट एक्ट ऑफ लाइफ के बारे में बताएगा। कैडावेरिक स्पैज़म केसन डिजीज के अंदर आपको नहीं देखने को मिलता। जो कैडावेरिक स्पैज़म है इसमें इंस्टेंटेनियस रिजिडिटी होती है एंड द स्मॉल ग्रुप ऑफ मस्कुलेचर ऑफ हैंड है। पोस्टमार्टम क्लैरिसिटी के अंदर टेम्परेचर हाई होता है। अब कौन से कंडीशन राइगर मोटिस को सिमुलेट नहीं करती, तो एल्गर मोटिस होती है। अब कौन से कंडीशन प्यूट्रीफैक्शन को फेवर नहीं करती, तो इंक्रीज टेम्परेचर या ड्राई एटमोसफेयर है। द अर्लीस्ट साइन ऑफ प्यूट्रीफैक्शन, तो राइट इलियक फोसा में ग्रीनिश डिसकलरेशन होना शुरू हो जाती है। इसके बाद ये है कि जो ट्रंक की डिसकलरेशन हो गया ड्यू टू गैसेस और हिमोलिसिस है ओवर द ग्रोइन इन द ट्रंक, तो उसको मार्बलिंग कहते हैं। जो मार्बलिंग होती है वो एंड ऑफ फर्स्ट वीक को इंडिकेट करती है। जो ब्लड होती है वो बिगनिंग ऑफ सेकंड वीक को इंडिकेट करती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो हेयर्स होते हैं वो स्काल्प इजीली डिटैच हो जाते हैं थर्ड से लेकर फोर्थ वीक में। जो फ्लाइज होती है वो मार्केप्टेन से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाती है, जो कि डेड बॉडी से प्रोड्यूस होता रहता है। अब प्यूट्रीफैक्शन के बाद कौन सा केमिकल रिलीज नहीं होता, तो वो हिस्टामिन होता है। ब्लू बॉटल फ्लाई हैच क्रीम कलर्ड मैगेट्स, तो 24 घंटे के अंदर मैगेट्स जो हैच करना शुरू कर देती है। इसके बाद फुल ग्राउंड फ्लाई इज फॉर्म इन 4 डेज। जो मैगेट और फ्लाई होती है उनके से अगर आपने टाइम से डेथ का पता चलाना है तो उनको एंटोमोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। तो फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस क्या होती है, टाइम से डेथ का पता चलता है मैगेट से। नेक्स्ट है कि जो लाइव फ्लाई होती है उसको एंटोमोलॉजिस्ट के पास भेजा गया, तो क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए, तो मीट भी साथ देना है, कैसे ना कि वो मर जाए। ऑल फैक्टर इन्फ्लुएंस प्यूट्रीफैक्शन, तो जो टेम्परेचर होता है 32 से नीचे या 212 से, तो ये इसको इन्फ्लुएंस वगैरह नहीं करता बल्कि रिटार्ड वगैरह करना शुरू कर देता है। ड्राई सैंडी सॉइल ऑफ डेजर्ट है, तो श्टेवलिंग होती है और लीदरी बॉडी बन जाती है, चमड़े वाली बॉडी बन जाती है, तो वो मम्मीफिकेशन होती है। सपोनिफिकेशन एडिपोसियर फॉर्मेशन को कहते हैं। अगर डेड बॉडी मॉइस्ट प्लेस के ऊपर लेफ्ट कर दी गई है, ओके, या तो वाटर के अंदर या डैम अर्थ के अंदर, तो एडिपोसियर फॉर्मेशन के चांसेस काफी ज्यादा है। पोस्टमार्टम हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोजिनेशन ऑफ बॉडी फैट, तो ये एडिपोसियर फॉर्मेशन होती है। इसके बाद जो टाइम सेंस डेथ है उसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ, तो ये गिलेस्टर ने फॉर्मूला पेश किया था। जो हाइपोस्टेसिस होती है, हाइपोस्टेसिस से कॉज ऑफ डेथ का कंप्लीट कंफर्मेशन नहीं पता चलती। एगोनल पीरियड होता है, तो एगोनल पीरियड के अंदर ब्लड शुगर लेवल जाता है, काम होता है। कैडावेरिक स्पैज़म के अंदर इनवॉलंटरी मस्कुलेचर की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। ओके, ठीक है, तो लीवर को अगर आपने करना है तो लीवर के लिए 45 मिनट का ट्रांसप्लांटेशन टाइम नहीं होता है। टेक्नोवर्स के बारे में क्या बात करता है, टेक्नोवर्स सपोर्ट्स, तो सक्लेरा के ऊपर होती है लेकिन रेड पैचेस की पॉकेट वगैरह नहीं होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कि हाइपोस्टेसिस डिलेड होती है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो एनीमिया के अंदर हाइपोस्टेसिस काफी ज्यादा डिले हो जाती है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस है।
द कॉज ऑफ कोमा आर फॉलोइंग, तो कॉज ऑफ कोमा क्या नहीं हो सकता, तो ब्रीथिंग कार्बन डाइऑक्साइड हाइपर कैपनिया की वजह से कोमा नहीं हो सकता। ऑल द फॉलोइंग सिम्टम ऑफ कोमा एक्सेप्ट, तो कोल्ड पर्सपिरेशन कोमा के अंदर नहीं देखने को मिल सकती। इसके बाद है ट्रॉमेटोलॉजी, तो ट्रॉमेटोलॉजी के अंदर गलत स्टेटमेंट को तलाश करना है। तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज मोस्टली बायलैटरल होता है, तो बात गलत है, यूनिलैटरल होता है। ओके, सब ड्यूरल हेमरेज के बारे में क्या बात रहता है, ये आर्टेरियल नहीं बल्कि वीनस ब्लीडिंग की वजह से होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो पंच ड्रंकनेस होती है, ये क्रॉनिक ब्रेन डैमेज होता है बॉक्सर के अंदर। ओके, एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमरेज वर्टिब्रल आर्टरी नहीं बल्कि मेनिंजियल आर्टरी के रप्चर होने की वजह से होता है। जो स्पाइन की कंकशन है उसको रेलवे स्पाइन बोलते हैं। इसके बाद गलत स्टेटमेंट को ढूंढना ट्रॉमेटिक एस्फिक्सिया में, तो ये उन इंडिविजुअल में होते हैं जिनको क्राउड से क्रश हो जाते हैं, नहीं बल्कि करेक्ट स्टेटमेंट को ढूंढना है, तो बिल्कुल ठीक है। क्रश इंजरी होती है बाय द क्राउड है, विसरल इंजरीज होती है वो फैटल होती है बिकॉज ऑफ शॉक, हैमरेज और सेप्सिस है। रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो जो काउंटर क्रैप इंजरी होती है वो फार हेड की फाल पर नहीं बल्कि ऑक्सीपिटल रीजन की फाल की पर होती है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, तो पगलिस्टिक एटीट्यूड के बारे में क्या बात गलत है, तो उसकी मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस ना होने के बराबर होती है। इसके बाद ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर साइन ऑफ सजेस्टिव एंटीमार्टम ड्राउनिंग बर्न, तो कौन सा नहीं होता, तो कार्बोक्सी हिमोग्लोबिन इज मोर देन 10 है, तो ये एंटीमार्टम को इंडिकेट नहीं करता। आगे चलते हैं स्पॉट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइटनिंग, तो लाइटनिंग के अंदर अर्बोरिसेंट मार्क्स होते हैं टॉप्सी पे देखने को मिलते हैं जिनको फ्लिगरी बर्न्स भी कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का जो इफेक्ट होता है हमारी बॉडी के ऊपर उसकी वजह से क्या चीज़ है, यानी रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, ड्यूरेशन पे, वोल्टेज के ऊपर है, लेकिन स्किन की नेचर के ऊपर एलिगेटर लाइक स्किन है तो इफेक्ट की बात कर रहे हैं। इसके बाद स्पॉट द रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो मॉइस्ट हीट के कॉन्टैक्ट की वजह से स्किन ड्राई चेयर्ड और श्रीवल होती है, हालांकि ये आपको किस में देखने को मिलती है, कॉन्टैक्ट लियन के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोक्यूशन के बारे में क्या बात गलत है, जो ड्राई स्किन होती है वो गुड कंडक्टर नहीं बल्कि बैड कंडक्टर होती है, रेजिस्टेंस काफी ज्यादा होती है इसके अंदर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरी इज इंजरी प्रोड्यूसिंग इफेक्ट ड्यूरिंग बम एक्सप्लोजन, तो बम एक्सप्लोजन की वजह से सब चीजें होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ इंटरनल इंजरी ड्यू टू ब्लास्ट इफेक्ट, तो मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है इंटरनल इंजरी ड्यू टू ब्लास्ट इफेक्ट, तो हवा के अंदर तो लंग्स है, बाकी पानी के अंदर तो इंटेस्टाइन होती है, एविंग पास्टुलेट में ट्रॉमा और कैंसर है। नेक्स्ट है कि सफोकेशन के बारे में क्या बात ठीक नहीं है, सारी बातें इसमें ठीक है, तो यहाँ पे नन ऑफ दिस आना चाहते हैं, यहाँ पर लिखे हालांकि यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है। थ्रॉटलिंग के लिए क्या बात गलत है, तो होमिसाइडल थ्रॉटलिंग होती है तो मर्डर का कॉमन फॉर्म होती है। चलो सिलेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट, तो हायर्ड बोन का फ्रैक्चर होता है स्ट्रैंगुलेशन के अंदर काफी ज्यादा रेयर होता है, हालांकि काफी कॉमन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द हैंगिंग इज नॉट करेक्ट, तो जो लाइगेचर होता है वो थायराइड कार्टिलेज के नीचे पड़ा होता है, तो ये बात ठीक नहीं है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ड्राउन्ड विक्टिम, तो जो लंग्स होते हैं वो कोलैप्स या कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं, हालांकि बहुत ज्यादा फूले हुए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि सी ड्राउनिंग के बारे में क्या बात गलत है, तो सी ड्राउनिंग के अंदर फ्लूइड लॉस होता है फ्रॉम द सर्कुलेशन इनटू द लंग्स, तो ऐसी बात नहीं है बल्कि फ्लूइड निकल जाता है। इसके बाद द पॉइंट्स विच हेल्प इन द डायग्नोसिस ऑफ बैटर्ड चाइल्ड सिंड्रोम, तो मिसलीडिंग स्टोरी होती है तो सबसे बड़े आपको डायग्नोसिस बता देती है। इसके बाद द मोस्ट कॉमन फैटल इंजरी सफर्ड बाय मोटरसाइकिलिस्ट, तो मोटरसाइकिलिस्ट की वजह से टिबिया फिबुला का फ्रैक्चर हो सकता है। ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट क्या होती है, रॉन्ग स्टेटमेंट है देयर इज इनसफिशिएंट सर्कुलेशन थ्रू द टिश्यू। एब्रियन के बारे में क्या, एब्रियन सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन को इन्वॉल्व करती है, एपिडर्मिस को इन्वॉल्व करती है, जो फैब्रिकेटेड वुंड होती है सुपरफिशियल इंजरीज होती है। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो एक्स्ट्रावेजेशन होता है ब्लड के विद इन द टिश्यू, तो उसको ब्रूस हिमाटोमा कंटीजन सब कुछ कहती है। इनसाइज वुंड ब्लेड ऑफ ग्रास की वजह से हो सकता है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्रूस एंड हाइपोस्टेसिस, तो लोकेशन का फर्क होता है। ओके, एक इंट्राडर्मल होता है, एक सब डर्मल होता है। इसके बाद नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुंड कैन बी कंफ्यूज्ड विद इनसाइज वुंड, तो जो सेपरेट लैसरेशन होती है स्काल्प की, तो उसको आप कंफ्यूज कर सकते हैं इनसाइज वुंड से। जो वुंड होता है एक्स है तो वो चॉप लैसरेशन होती है, स्टैब पेनिट्रेटिंग वुंड होता है, कॉन्टियन को ब्रूज भी कहते हैं। एंट्री और एग्जिट वुंड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, टैटविंग है, ब्लैकविंग है, मार्जिनल एब्रिगेना, तो बिल्कुल इन सब पॉइंट्स में डिफरेंस आना देखने को मिलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ प्रोजेक्टाइल रिगार्डिंग इट्स पेनिट्रेशन, तो स्पीड और काइनेटिक एनर्जी होती है, एंड आइस पिक विल कॉज, आइस पिक की वजह से पंक्चर्ड वुंड हो सकता है। ओके, रिकोशेट ऑफ बुलेट का मतलब है डिफ्लेक्शन फ्रॉम द हार्ड सर्फेस है। जो एंटीमार्टम ब्रूज होता है उसको पोस्टमार्टम ब्रूज से डिफरेंशिएट कर सकते हैं बाय माइक्रोस्कोपी। इसके बाद नेक्स्ट है कि जो राइफलिंग का वेपन होती है उसकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल को बढ़ा देती है। जो ब्लैक गन पाउडर, इसमें चारकोल होता है, सल्फर होता है, पोटेशियम नाइट्रेट वगैरह होता है। ओके, इसके बाद हम आगे चलते हैं शॉट गन इंजरी, तो शॉट गन इंजरी के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्टाइल होती है, शॉट्स और वैट देखने को मिलती है। डम डम बुलेट ऐसी बुलेट होती है जो कि एक्सपायर्ड होती है उन हिटिंग द टारगेट। इसके बाद नेक्स्ट है कि फायर आर्म टॉप्सी के अंदर जो बुलेट होती है उसको रिमूव कैसे करना है, बुलेट को रबर टिप्ड फोर्सेस से रिमूव करना है। इनसाइज वुंड के अंदर जो मार्जिन होते हैं क्लीन कट और रिवार्टेड होते हैं, वुंड एक मेडिकल ट्रॉम होती है, जबकि जो हार्ट है वो लीगल ट्रॉम होती है। शॉट गन के अंदर जो इनसाइड ऑफ बैरल है वो स्मूथ होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द पिस्टल, तो जो डिस्टेंस फ्रॉम द पिस्टल इज कैरिड अप टू, यानी जो पिस्टल 350 से लेकर 550 तक फायर कर सकती है। द एरिया वेयर इनसाइज वुंड लुक लाइक लैसरेटेड वुंड, तो एक्जिला वगैरह के ऊपर, स्काल वगैरह के ऊपर, बी वेलिंग ऑफ बोन, बुलेट इंजरी स्कल पे देखने को मिलती है। ओके, जो इंजाइम्स होते हैं साइट ऑफ इंजरी के ऊपर, तो एसिड फास्फेटेज, एल्कलाइन फास्फेटेज, अमाइनो पेप्टिडेज, सब चीज इंजाइम होते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रॉमेटोलॉजी के अंदर, तो जो पंच ड्रंकनेस होती है ओल्ड बॉक्सर में देखने को मिलती है, बच्चों के अंदर इंडेंटेड फ्रैक्चर होता है, एब्डोमिनल ऑर्गन में स्प्लीन सबसे पहले ज्यादा रप्चर हो जाती है।
मेटल ट्यूब का ओपन एंड को मोजल एंड कहते हैं। इसके बाद कलर चेंजेस ऑफ ब्लू हो जाता है, जो ग्रीनिश कलर होता है वह हेमाटोडिन की वजह से होता है। ब्लड के फ्यूजन टिश्यू के अंदर ड्यू टू वायलेंस तो वो कंटिन्यू होती है। लैसिरेटेड वुंड ब्लंट इंपैक्ट इंजरी से होता है। ओके ठीक है। लार्ज ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट कैजुअलिटी है, तो यहाँ पर सबोटेज लिखा हुआ है। आगे जो वुंड इसमें जिसमें वेपन हमारी बॉडी कैविटी में एंटर हो जाता है तो उसको पेनिट्रेटिंग वुंड कहते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्लेविकल का फ्रैक्चर होता है, बच्चों में देखने को मिलता है। मल्टीपल एब्रेशन होती है बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर, मल्टीपल ब्रोसिस या मल्टीपल फ्रैक्चर है तो ओवरऑल ट्रैफिक एक्सीडेंट को इंडिकेट करते हैं। एब्डोमिनल स्टैप इंजरी या स्मॉल इंटेस्टाइन की परफोरेशन दैट मीन जो जायफा है। वुंड ऑफ वेंट्री राइफल फायर आर्म के ऊपर, तो कलर ऑफ एब्रेशन से पता चलाओगे। अगर ब्रूस ग्रीनिश येलो है तो वो 7 से लेकर 10 साल तक इंडिकेट करेगा। प्रेजेंस ऑफ बर्निंग अराउंड द वुंड ऑफ वेंट्री बाय पिस्टल, तो 1 से लेकर 3 है, ये पहले भी आई थिंक आ चुका है। बर्निंग और ब्लैकनिंग वगैरह हमने पढ़ा था, जो ब्लैकनिंग थी आई थिंक वो 8 से लेकर 12 में थी। ओके इसके बाद ऐसा वुंड जिसमें स्मॉल एरिया ऑफ स्किन अंडरलाइंग टिश्यू और मसल टोन हो जाता है तो उसको लैसरेटेड वुंड कहते हैं। हीलिंग प्रोसेस के अंदर जो लिविड रेड होता है वो ग्रीनिश से पहले आता है। बम्पर फ्रैक्चर टिबिया फिबुला के फ्रैक्चर को कहते हैं। स्ट्रेस लैसरेशन टेंडेंशियल इंपैक्ट की वजह से होती है। रोटेशनल इंजरी टू द ब्रेन कॉज बाय डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैकेनिकल वायलेंस, उसको कंकशन कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, अटेम्प्ट ऑफ क्रिमिनल फोर्स और वायलेंस, तो अटेम्प्ट को वायलेंस असॉल्ट कहते हैं। ओके जो स्मॉल हेमरेजिक सपोर्ट एपिथेलियल से बड़े होता है तो काइमोसिस कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कि फर्स्ट ब्राइट रेड फिर इसके बाद येलो आएगा, लेकिन दरमियान में कोई ब्लूश या ग्रीन इंटरवीनिंग कलर नहीं होगा, तो सब कंजक्टिवल हेमरेज है। कलेक्शन ऑफ इंजर्ड एपिथेलियम ट्राइड ब्लड और लिम्फेटिक को उसको कहते हैं हम स्कैप कहते हैं। द कॉमनेस्ट वुंड फॉर फ्रेमिंग ऑफ फास्ट चार्ट, तो इनसाइज वुंड होता है। ब्लास्ट लेयर वाटर के अंदर तो इंटेस्टाइन पर होती है मोस्टली। आई थिंक लास्ट चैप्टर है ट्रोमेटोलॉजी का, देख लेते हैं ट्रोमेटोलॉजी का लास्ट है। ओके तो परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग फ्रॉम वन ईयर, तो ये किस में आएगा, सलाहियत खत्म हो गया तो इतलाफ सलाहियत, तो कटिंग ऑफ नोस बाय शार्प एज वेपन है तो इतलाफ सलाहियत हुज्ब में आ जाएगा, सलाहियत खत्म कर दिया है। कटिंग ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन है तो इतलाफ ही उसमें आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि कटिंग ऑफ ईयर विद शार्प एज वेपन है तो इसमें इतलाफ हुज्ब आ जाएगा। एविंग पास्टुलेट के अंदर क्या चीज़ नहीं होती है, तो रीजनेबल टाइम इंटरवल बिटवीन द इंजरी अंदर डेथ, ये नहीं होता। शजाए अम्मा के अंदर जो इंजरी होती है वो मेम्ब्रेन ऑफ ब्रेन को टच कर रही होती है। इसके बाद अगर कोई बंदा शॉक में चला गया तो वो 337L1 में आ जाएगा। ब्रूज ओवर फोर हेड है और राइट ब्लैक आई है, तो नेचर ऑफ हर्ट क्या होगा, शजाए खफीफा है। इसके बाद ब्रूज अगर लेफ्ट अपर आर्म के ऊपर है ब्लंट वेपन की वजह से है तो 337L2 पे है। ब्रूज और कंटिन्यूस में आ जाती है। इंजरी ओवर द नोस है, परमानेंट लॉस ऑफ स्मेल है तो इतलाफ पे चलाए तो उस वह। इसके बाद इंजरी ओवर द नोस है ब्लंट वेपन है जिसकी वजह से नेजल बोन का फ्रैक्चर हो गया है तो ये किस में आता है, मुनक्किला के अंदर आता है। देखो फ्रैक्चर हो चुका है और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया तो मुनक्किला है सबसे जो लास्ट वाला था। इंजरी ओवर द ग्रोइन है और हिमाचूरिया वगैरह होना शुरू हो गया तो सलाहियत खत्म हो गया था, इतलाफ सलाहियत उस वह। पेनिट्रेटिंग वुंड है, शार्प एज वेपन है, इंजरी पेरिटोनियम को टच कर रहा है तो वो जोड़ जायफा होता है। लैसिरेटेड वुंड थाई के ऊपर है, बोन एक्सपोज नहीं हुई तो मुतलाहिमा आ जाएगा। ओके इसके बाद इनसाइज वुंड थाई के ऊपर है, बोन एक्सपोज नहीं हुई, तो अगर बोन एक्सपोज नहीं हुई है तो उसको बदिया कहते हैं, ठीक है। ओके और थाई के ऊपर है तो हम उसको शजा भी नहीं कह सकते। एब्रियन अगर आर्म के ऊपर, एब्रियन ओवर आर्म है कॉज बाय द नेल तो ये किस में आएगा, जूड गैर जाइफा डमिया वगैरह के अंदर आएगा, ठीक है। ओके अनसाइज वुंड है नेक के ऊपर है, इन्फ्लेक्टेड बाय द शार्प एज वेपन है, सुपरफिशियल वेन को इन्वॉल्व करता है तो ब्रेन एम्बोलिज्म की वजह से डेथ हो सकती है। क्रश सिंड्रोम के अंदर बंदा शॉक में चला गया तो वो 337L1 के अंदर आता है। ट्रॉमा ओवर चेस्ट है तो चेस्ट की वजह से रिब्स के फ्रैक्चर हो गया तो रिब्स का फ्रैक्चर होता है उसको हम हशीमा कहते हैं। इसके बाद शजाए खफीफा है, उसमें जो इंजरी होती है चेन के ऊपर होती है, बोन एक्सपोज नहीं होती, रिलेटिवली लिटिल माइंड इंजरी होती है। जो एम्पुटेशन है लिम्स के तो उसको तलाफियोस कहते हैं। स्टीयरिंग व्हील फिनोमिना ये ड्राइवर के ऊपर होता है। शजाए मदिया इसमें जो इंजरी फेस पे होती है बोन एक्सपोज हो जाती है। 32 टीथ मिसिंग है सॉकेट से तो इतलाफियोस में आ जाता है, टीथ मिसिंग है तो यहाँ पे इतलाफ दांत भी आ गया है। वह फ्रैक्चर ऑफ टीथ है उसको इतलाफ लाए तो उसको कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, बर्ड फूट इंजरी होती है। ओके एब्रियन है, इनसाइज वुंड और लैसरेटेड वुंड ओवर फेस है तो कार के एक्सीडेंट की वजह से हो सकती है, हेड एंड कोलिजन की वजह से होती है। ट्रैम लाइन ब्रूज ओवर द बैक ऑफ विक्टिम तो ये पुलिस टॉर्चर वगैरह की वजह से हो सकती है। वैली ऑफ द आर्थ इज फिक्स बाय गवर्नमेंट तो 1 जुलाई के ऊपर फिक्स की जाती है। 33% ड्राई बर्न होती है, शॉक में बंदा चला गया तो वो सेक्शन 337L1 के अंदर आता है। परमानेंट डिसफिगरमेंट के अंदर स्लाइट तो उसको आ जाएगा। परमानेंट लॉस ऑफ फंक्शन के अंदर इतलाफ स्लाइट तो उसका ग्रीनिश कलर इन ब्रूज है तो हेमाटोडिन की वजह से होता है। रेड कलर ऑक्सीमोग्लोबिन की वजह से होता है, येलो कलर बिलिरुबिन की वजह से होता है, ब्लू कलर रेडियोस हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, डीऑक्सीहीमोग्लोबिन की वजह से होता है, चॉकलेट ब्राउन कलर हीमोसिट्रिन की वजह से होता है। पनिशमेंट ऑफ शजाए खफीफा तो उसकी दमान होती है इसके। ओके अगर परमानेंट लॉस ऑफ वगैरह तो इतलाफ सलाहियत उस वह। नेम द केमिकल इमीडिएटली रिलीज एट द साइट ऑफ ट्रॉमा तो हिस्टामिन होता है। कौन सा एंजाइम के लेवल नहीं बढ़ेगा एट द साइट ऑफ इंजरी तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेस है। ओके तो ऑल आर कैरेक्टरिस्टिक्स इन सेल्फ इन्फ्लेक्टेड है तो क्लॉज के इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होते। स्मॉल बोन्स ऑफ हैंड का फ्रैक्चर है तो सेल्फ इन्फ्लेक्टेड है। ओके इसके बाद नेक्स्ट है कि तो सुसाइडल साइट होती है, फेवरेट साइट कौन सी नहीं है तो कटिंग ऑफ रेडियल नर्व इसमें नहीं आती। कैडावेरिक स्पैज्म सुसाइडल केस में देखने को मिलता है। सुडो ब्रूजेस आपको एस्थमा वाले पेशेंट में देखने को मिल सकते होते हैं। लाइक सेक्शन ब्रूजेस है
सक्शन ब्रूजेस है, तो वो लव बाइट की वजह से हो सकती है, स्पेसिफिकली ऑन द नेक एंड ब्रेस्ट ऑफ फीमेल है। ब्रूजेस ओवर एल्बो नी ज्वाइंट होते हैं, तो वो सोडमी को सजेस्ट कर रहे हैं। सिक्स पैनी ब्रूजेस, ये पैटर्न ब्रूजेस होती है, कैफे सिंड्रोम में देखने को मिलती है। जैक नाइफ विप्लैश इंजरी, तो ये एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की वजह से होती है। बम्पर फ्रैक्चर पेडेस्ट्रियन के अंदर होता है। ऑल आर फॉलोइंग आर पैटर्न ऑफ इंजरी फाउंड ऑन द कार ड्राइवर, तो जो डैशबोर्ड इंजरी ओवर द नी ज्वाइंट, तो ये ड्राइवर के साथ नहीं होती। आगे ब्रूजेस ऑफ द मीडियल साइड ऑफ थाई एंड द अपर आर्म इज सजेस्टिव ऑफ जीना बलजबर को इंडिकेट करते हैं। ब्रूजेस अगर नोज और माउथ पे, तो वो स्मूथनिंग है। अगर नेक होता तो आपने थ्रॉटलिंग वगैरह लिख देना था। अभी भी एमसीक्यू रहती है बहुत सारे। इसके बाद एमसीक्यू 103 की तरफ चलते हैं। ओके, तो एंटीरियर चेस्ट वाल का ट्रॉमा, तो सबसे पहले रप्चर कौन होगा, राइट वेंट्रिकल रिंग फ्रैक्चर फोरामेन मैग्नम के राउंड देखने को मिलती है। पनिशमेंट ऑफ तलाफे उस वक्त किसास या 10 साल की इंप्रिजनमेंट होती है ताजीर के फॉर्म में। वाली वो पर्सन है जो कि किसास लेता होता है फंडों से। अब जो ऑथोराइज मेडिकल पर्सन है, ये वो पर्सन होता है जिसको गवर्नमेंट ने ऑथोराइज किया होता है। वैल्यू ऑफ दियात, तो 3060 होती है। वैल्यू ऑफ दियात होती है, ओके, ग्राम ऑफ सिल्वर है। इसके बाद है कि डायरेक्शन ऑफ एब्रियन होती है, तो वो टेलिंग से आपको पता चला होगा। सेल्फ इन्फ्लेक्शन आप मुहर्रम के महीने में होती है। ओके, इफ कलर ऑफ ब्रूस इज येलो, तो 7 से लेकर 12 को इंडिकेट करता है। इसके बाद कलर ऑफ ब्रूस अगर ब्लैक ब्राउन है, तो वो 4 से लेकर 5 दिन है। इसके बाद कलर ऑफ ब्रूस ग्रीनिश है, तो वो 5वां दिन हो चुका है। कलर ऑफ ब्रूस रेड है, तो फिर फ्रेश है। अगर कलर ऑफ ब्रूस ब्लू है, तो फिर 1 से लेकर 3 दिन वगैरह हो सकती है। व्हिप्लैश इंजरी एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन की वजह से देखने को मिलती है। रेलवे स्पाइन रोट रेलवे इंजरी में होती है। स्ट्रक हुप फिनोमिना हेड के ऊपर देखने को मिलता है। कॉप और कंट्रो कॉप इंजरी लेग्स के ऊपर नहीं देखने को मिलती। ओके, इसके बाद है कि अगर पर्सन को फोरहेड पर ब्लो मिला है, तो ब्लैक आई देखने को मिलती है। मोज़ेक या स्पाइडर लाइक फ्रैक्चर आपको हेड में देखने को मिलता है। गटर वुंड क्या होता है? गटर वुंड ऐसा वुंड होता है जिसमें जो टॉप ऑफ वुंड है वहाँ पे कोई स्किन नहीं होती है। सब रेक्नाइट हैमलेट रेक्वाइट मेम्ब्रेन और पायरामेटर के दरमियान फ्लूइड की एक्युमुलेशन को कहती है। चाहे मदिया में जो पनिशमेंट होती है, वो किसास या 5% ऑफ वैल्यू ऑफ दियात होती है। L1 के अंदर लायबल टू दमान एंड इम्प्रिजनमेंट है। पता नहीं पनिशमेंट याद करनी नहीं करनी। अब कौन सी पनिशमेंट नहीं होती के साथ दिया, ऑर्डिनेंस के मुताबिक तो वार्निंग नहीं होती। इस काते हमल की जो पनिशमेंट वो ताजीर होती है। इसके बाद जो इस काते जनन की पनिशमेंट है, वो 1/20 होती है ऑफ दयाद। इसके बाद जो इस काते हमल है, ये ऐसा बाशन होता है जब लिम्स नहीं बने होते। इस काते जनन के अंदर ऑर्गन की फॉर्मेशन हो जाती है पनिशमेंट। और जो जायफा है, इसको अभी भी छोड़ देते हैं। अगर पनिशमेंट ऑफ 337 L2 उसको छोड़ देते हैं। पीओपी ब्ला ऐसा फ्रैक्चर होता है जो कि स्कल बोन पे देखने को मिलता है। पीओपी ब्ला ये कहता है कि जो फ्रैक्चर लाइन होती है, वो सूचर या किसी दूसरी फ्रैक्चर लाइन को क्रॉस नहीं करती। द मोस्ट डेंजरस पार्ट लीडिंग टू द डेथ इन हेड इंजरी, तो वो टीवाइन होता है। डेथ अकरिंग इमेजिलिटी ऑफ द लियन इज इन स्पाइनल कॉर्ड इन द लेवल ऑफ, तो अगर स्पाइनल कॉर्ड में C4 से ऊपर है, तो डेथ फौरन जल्दी हो जाएगी। कंकशन के अंदर क्या चीज़ नहीं होती, तो एनाटॉमिकल चेंजेस नहीं देखने को मिलती है। स्मॉल क्लॉट ड्यू टू ब्रेन हैमरेज, तो वो 6 से लेकर 7 दिन के अंदर ब्रेक होना शुरू हो जाती है। एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज इन्फेंट के अंदर और ओल्ड पीपल के अंदर रिलेटिवली लेस कॉमन होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ब्लड डिजीज है, क्रॉनिक अल्कोहलिज्म और ओल्ड एज, इन सब की वजह से सबड्यूरल हैमरेज देखने को मिलता है। हार्ट का वो कौन सा पार्ट है जबकि रप्चर हो जाता है डिजीज की वजह से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जबकि एंटीरियर चेस्ट वाल के ट्रॉमा की वजह से राइट वेंट्रिकल रप्चर हो जाता है। स्काल्प के अंदर बोन नहीं आती, और जो कुशनिंग इफेक्ट होता है ओवर द हेड, तो वो स्काल्प प्रोवाइड करता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। तकरीबन हमने लीगल प्रोसीजर से लेकर ट्रॉमेटोलॉजी को कवर कर लिया है। अब फायर आर्म इंजरी रहता है, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स है, एस्फिक्सियल डेथ है, वर्जिनिटी प्रेगनेंसी डिलीवरी का इन्फेंटिसाइड है, मेडिकल लीगल एस्पेक्ट ऑफ इंसैनिटी है, तो इन सबको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना।